आप सबका इस्तकबाल है इंट्रेक्स न्यूज़ पर। तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस पे एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें यह ऐलान हुआ कि मीडिया फंक्शंस होने वाले हैं आने वाले 26 सितंबर को। इस वबा कोरोना वायरस मुश्किल वक्त पर मीडिया के लोग बिना जान की परवाह करे बगैर आवाम तक हर खबर पहुँचाई। उन सबको तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अवार्ड से नवाजा जाएगा। आगे की तफसीलात सुने मोहम्मद नजीब की जुबानी। हर अहम खबरों के लिए इंट्रेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। अल्लाह की बरकत हो। आज तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस पे एक छोटी सी प्रेस मीट की गई, खास इस मौके पे कि हम एक मीडिया फंक्शन करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से एक छोटी सी आज प्रेस मीट की थी, जो कमिंग सून 26 सितंबर को हम एक PFCO मीडिया अवार्ड 2020 हम करना चाह रहे हैं, जो COVID-19 के दौरान जो मीडिया पर्सन काम किए हैं उनको अवार्ड पेश किया जाएगा। तो ये अवार्ड फंक्शन का मकसद एक ही है, जो हम ऑलरेडी लॉकडाउन के दरमियान में जैसे डॉक्टर्स है, पुलिस है, आयशा वर्कर्स है, अदरवाइज जो भी सोशल वर्कर जो काम कर रहे थे, हम सबको अवार्ड और इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो एक मीडिया पर्सन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें COVID-19 के दौरान में, वो भी अपने जान को धोखे में डालते हुए काम करे हैं लॉकडाउन पीरियड में। हर कवरेज करे लेबर्स का, बड़े से बड़े का और पॉजिटिव केसेस का, खरीद में जाके इंटरव्यू लिए डॉक्टर से। तो हम ये सोचे कि एक मीडिया पर्सन को भी हम एक अवार्ड पेश किया जाएगा। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है और हम तमाम से इस कोशिश की हम हिम्मत अफजाई हमको चाहिए और आपका ताउन चाहिए। ताउन मीन्स कमर्शियल ताउन नहीं चाहिए, अब हमको हिम्मत चाहिए आप लोग, क्योंकि ऐसे मीडिया पर्सन को हम आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस फंक्शन में अभी गेस्टों का मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा और प्लेस तारामती पे हम 26 सितंबर को रखेंगे। टाइमिंग और गेस्टों का भी जिक्र नहीं है, जिसमें आपको मीडिया पर्सन, वेब चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये तीनों को हम जो है ना वहाँ पर सम्मान करेंगे, अवार्ड पेश किया जाएगा और शालपोशी कुलपोशी हम वहाँ पर उन लोग की करेंगे, एक एक मीडिया पर्सन के। जो हमारी तरफ से फैमिली काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम चैनल्स को इनविटेशन भेजेंगे, जो भी ऐसे चैनल के थ्रू रिपोर्टर्स है वो लोग वहाँ पर हम इन्वाइट करेंगे। इंशाल्लाह अवार्ड और इनको शालपोशी कुलपोशी वहाँ पर करा जाएगा। तो हम तमाम आए हुए मीडिया पर्सन का और मैं जितने मीडिया पर्सन को मैं जानता हूँ उनको भी मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ और मज़ीद जो है ना आगे भी हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी आप लोग का भरपूर ताउन होना चाहिए अच्छे काम के लिए। और एक ख़ास बात जो मैं आप मीडिया के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ कि जो लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी लोग जो काम कर रहे हैं, हम भी उनमें से एक हिस्सा है, जो हमारी भी खिदमत थी वो काफ़ी लोग आप देखे हुए हैं, हम राशन हो या फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, फिर इसके बाद सिलेंडर्स हो, वो भी हम आज तक भी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो फिर हम हमारे टीम मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स हम बैठ के एक ये मीडिया अवार्ड फंक्शन का भी हम प्लान कर रहे थे। तो आज ख़ास तौर पर आप लोग को बुलाने का एक ही मकसद था कि कमिंग सून जो 26 सितंबर का हम जो प्लान करें उसमें अल्लाह से हमको उम्मीद है कि इसमें हमको कामयाबी, और ये कोई कमर्शियल प्रोग्राम नहीं है, ये एक हिम्मत अफजाई मीडिया पर्सन की, जिसको मैं पब्लिक का भी एक ताउन चाहता हूँ कि ऐसे मीडिया पर्सन के लिए हम आगे आए और उनकी हिम्मत अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।